एक जरूरी सूचना, हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर ही देखें। किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति का दिल दुखाना हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो यह आपकी अपनी प्रॉब्लम है, फौरन इलाज कराएं। हेलो एक्सक्यूज मी, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ये बाजू का घंटा दबाइए, जैसा न्यू वीडियो आते ही खन बोल के बचता है इन्हें। वालेकुम सलाम, या वालेकुम सलाम, नहीं चलते रहो, व्लॉग बना रहा हूं। अरे क्या हुआ रे, कहीं को ऐसा घरों के सर का पुकार रहा, पागल आगल हो गया क्या? वालेकुम सलाम, तेरे को मालूम नहीं शरीफ लोग सुबह शहरी करके सोते रहते बोल के? अरे भाई क्या, अरे भाई रे हल्लू पुकार, तुम्हारे भाभी सो रहे वहां पे, अगर खुदा ना खास्ता उनकी नींद में खलल पड़ गया ना तो सरा खलम कर देते होने अपन दोनों के। अरे भाई कैमरा लाया भाई, कैमरा लाया, अरे आ अंदर आ, अरे ब्लॉग बनाना है भाई, अरे आ अंदर आ, अरे भाभी आज अंदर घुमा लिए, अरे भाभी की ऐसी की तैसी अंदर आ, तू चल दिया, किसका मन के लाया? अरे अपना ही से भाई। अस्सलामुअलैकुम मियाँ, कैसे आप लोग, अच्छे छुंगे? कितने की दिनों से अपने बच्चे मेरे को मैसेज आ करके दम कर रहे, नूर भाई आप व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ बोल के, तो आज व्लॉग बनाने के ऐसे जा रहा हूँ मैं, और अपना बच्चा नहीं इमरान, चार दिन से कैमरा ले लेके फिर रहा घर पे, नूर भाई आप व्लॉग बनाओ नूर भाई आप व्लॉग बनाओ, मैं कैमरा लाया बोल के, मालूम क्या झूठे वादा क्या डाल रहे बड़े भाई, खुद ही फोन आ करके दम करे ना, जल्दी आ रहे ब्लॉग बनाना है ब्लॉग बनाना बोले, कैमरा मंगाए लेट लो जा रहा हूँ झूठे वादा। नहीं वो हम दोनों मिलकर डिसाइड करें एक व्लॉग बनाएंगे बोल के, ये व्लॉग मैं खास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने इंडिया ना बाहर जाके रहते, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी में, दुबई में, जिद्दा में, कुवैत में, कहाँ कहाँ के रहते, हैदराबाद या मुंबई वाद या बेंगलोर या, और जितने भी अपने इंडिया ना बाहर रहते उन लोगों का भी पर्सनली मैसेज आ करके मेरे को बोले थे, नूर भाई रमज़ान में आप हम लोगों को ओल्ड सिटी दिखाना, चार मीनार बताना, रमज़ान के रौनका कैसे रहते हैदराबाद में वो बताना बोले, तो इसके वास्ते खास कर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, और आप लोगों की जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कहीं को बोलता हूँ मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, आप लोगों को मालूम है ना, अब देखो मैं कल ही जर्मन में था, अब खास करके तुम लोगों के वास्ते व्लॉग बनाने के वास्ते जर्मनी से। जर्मन गए थे भाई तुम? हाँ जर्मनी में था मियाँ। कहीं को भाई? जमीन लिया ना जर्मनी में। जमीन लेके क्या करते भाई वहाँ पर? पान का डब्बा डाल रहा हूँ। तू सुधर गया वही फोते। तो खैर चलिए अपन अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे, ऐसे बहुत फालतू अपने को मिलते रहते, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको। चलो मियाँ। क्या मियाँ कैसा आया? मैत्री ना भाई। हाँ तू भी बन जाता थोड़े दिनों में कैमरामैन। अरे मैं फैयाज भाई को बोल के बुलेट ले लेके आऊँ, बुलेट पे ऐसी एंट्री रहना मेरी, स्लो मोशन में चाबी लगा रहे, बुलेट को स्टार्ट कर रहे, ऐसा किक मार रहे, नूर भाई ऐसा निकल रहे बुलेट लेके बोल के एंट्री रहना, मैं उनको बोल डाला 50 का पेट्रोल डालता हूँ, बोल के खरीबी छो ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है ओके भाई चल निकलेंगे। ये क्या है? ये व्लॉग में डालेंगे वीडियो ले रहा। ये व्लॉग में डालने की चीज़ आ रहे साले बनकर, फोन ही नहीं उठा रहे मियाँ, पनको हो गए सर का दिख रहा भाई, ये पंडको बोले तो सो गए सर का दिख रहा रे। अरे वो सब जान दो भाई, गाड़ी आती नहीं आती, खाली धूपों में ठहरा दे रहे, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं हाथ पे ले लिया सर का दिख रहा मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ बुलेट उलट पे एंट्री एंट्री कहीं कुछ पब्लिक देखती भी नहीं, बेजार हो आती हो कहीं की म्यूजिक आ देखिए, अपना ही बिल्डअप जो बताना है वो बताना व्लॉग में। यहाँ किसका भी मिल जाती अपने गाड़ी अपने बच्चों, अरे है ना अपने बच्चे के पास गाड़ी, अरे मैं एक्टिवा तुम्हारी से। हाँ भाई मेरी। चलो तुम्हारी गाड़ी पे चलेंगे आज नूर भाई ओल्ड सिटी घूमने। चलो भाई चलो निकालो। ये के क्या है रे? वो जरा अलग है भाई। क्या अलग है रे, कभी अम्मा बाबा का भी नामा लिखा हो एमडी मॉम डैड बोल के। निकाल गाड़ी खामोश। निकाल रहा हूँ। अब मिलते हैं ओल्ड सिटी में। ये भी ले रहे थे क्या? आओ। क्या करते मियाँ? ब्लॉग बोल तो पूरा डालना पड़ता ना भाई। गलियों में से शॉर्टकटों में से ले जा रहा बच्चा ओल्ड सिटी, मल्लापल्ली भी कवर करेंगे वो रहा, वो भी बताने की कोशिश करते। अस्सलामुअलैकुम। गुडविल हॉस्पिटल, ये यहाँ का बहुत ही मशहूर फंक्शन हॉल है, खाजा मेंशन फंक्शन हॉल, खदीम से खदीम बुड्ढों की भी शादी यहीं हुई भी है। ये है
ये है मासेफ टैंक का चौरस्ता, बड़े बड़े रास्ते आके यहीं मिलते हैं ये चौरस्ते पे। सीधा गए तो मल्लापल्ली है, राइट को गए तो मेहंदीपट्टनम, लेफ्ट को गए तो लकड़ी का पुल, आगे से यूटर्न ले लो। चल ये यूटर्न ले लेके आगे हम लगा लेफ्ट मार के मल्लापल्ली से जा रहे हैं। मल्लापल्ली का एरिया कवर करेंगे, उसके बाद सीधा ओल्ड सिटी मारेंगे। इस वक्त हम लोग हैं विजयनगर कॉलोनी चौरस्ते पे। यहाँ के मशहूर होटल है ये अलसबा और मरजान। सीधा गए तो मल्लापल्ली, राइट को गए तो मेहंदीपट्टनम, लेफ्ट को गए तो नामपल्ली। चलिए साहब, तो इस वक्त मैं हूँ मल्लापल्ली में और मैं तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कवर करूँ, कहीं को तो अपने बच्चों को पूरा बताना है और ये वीडियो लंबा भी हुआ तो आप ना देखो, कहीं को तो खास करके रोजे में रोज़ा रह के आप लोगों के आज से वीडियो बना रहा हूँ। कई बोल तो हमारे जो बच्चे इंडिया से बाहर हैं, जिनको इंडिया की, हैदराबाद की, मुंबई की, इंडियंस की और इंडिया के लोकल एरियों की और इंडिया के फेमस जगहों की याद आती, उन लोगों के आज से खास करके रोज़ा रह के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नूर भाई का ब्लॉग बोल तो धूमधूम हो जाना मसला। चलो पूरा कवर करेंगे अपन। चलिए, यहाँ की मल्लापल्ली के मशहूर और मारूफ होटलों में जिसका नाम आता है रियान होटल, देख सकते हैं आप स्पेशल दम की बिरयानी का, ये रोटियां दल रही जी इफ्तार के बाद आके देना, और एक एक रियान मुगलाई रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है यहाँ पर मल्लापल्ली पे। आप लोग आइए, कभी भी मल्लापल्ली आए तो यहाँ के खाने खा के जाइए। और मदीना डायरी भी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मदीना डायरी का पूरे वर्ल्ड में मशहूर है दूध दही। मार्केट में आगे हम लोग यहाँ पर जहाँ पर पूरे जूसों के दुकाना है, शावरमों के दुकाना है, ये देख सकते हैं आप सामने मल्लापल्ली, मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद और ये संबल लैंड जूस की दुकान, मदीना फ्रूट जूस, शवरमा सेंटर कते, मुस्तफ़ा डेरी फार्म है। ये देख सकते हैं आप दस्तियों के, टोपियों के, तस्बीहों के, तावीज़ों के दुकाना है यहाँ पे जानी माजा। ये पूरा मस्जिद का अंडर में है, समझिए मस्जिद के मलगिया हैं यहाँ पर पूरा, आपको जो है टोपियाँ वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप अरेबियन पैलेस द मल्टी कसिन रेस्टोरेंट, क्या बात है, शोरमा बन रहा है, इफ्तार के बाद देना पड़ता। चलिए साहब चलते रहिए। मिलन जूस सेंटर, ये भी बहुत फेमस है मल्लापल्ली में। वालेकुम सलाम मियां, ये पूरा मल्लापल्ली का एरिया है आप लोग देख सकते हैं। और ये गली में आ गए हम लोग, ये गली में पूरे कपड़ों के, चप्पलों के, जूतों के, सैंडलों के, लड़कियों के, आंटियों के, अंकलों के, सबके इस्तेमाल के चीज़ें मिलती हैं। चलिए साहब, हमारा मल्लापल्ली थोड़ा ही कवर करा मैं, कहीं को तो ओल्ड सिटी का ज़्यादा लेना है, कहीं को तो लोग जो है चार मीनार और आसपास के चीज़ें, मदीना बिल्डिंग, ये सब चीज़ें मिस करते और ये भी मिस करते, इसलिए इसको थोड़ा बताया और ज़्यादा ओल्ड सिटी में बताऊंगा। चलिए अस्सलामुअलैकुम, ओल्ड सिटी में मिलेंगे। नूर भाई आपकी मोहब्बत पब्लिक में उतनी नहीं है बोल के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहब्बत की जिंदा मिसाल आपके सामने, ये देखिए ये हमारे भाई सूडान से आए हुए खास करके नूर भाई से मिलने के लिए। अरे क्या भाई ऐसा बोल रहे, दो तीन बड़ा मैं शिकाया इनको हिंदी के। चलिए आगे चलते, आगे ले क्या, मौजम जाही मार्केट के पास से गुजर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप मौजम जाही मार्केट का नज़ारा, क्लॉक टावर पीछे लगे हुए। मार्केट के पास हूँ, बहुत खदीम इमारत है, क्लॉक टावर पीछे देख सकते हैं आप लोग, उन्हें हारान मार रहा जरा मेरा ब्लॉग खराब होना बोलते, लेकिन मैं करते रहूँगा। तो मौजम जाही मार्केट के पास हूँ, पीछे पूरे इतरों के दुकान आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से सीधा राइट लेके जाऊँगा ओल्ड सिटी। चलिए
सा है? इसका नाम है डेविड ऑफ फूल वाटर। फूल है वो बात अलग है, लेकिन खुशबू भी आना। अरे बिल्कुल रहेंगी नूर भाई। क्या बात है साहब, कपड़े फट जाना, खुशबू खत्म नहीं होना नूर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बच्चे भी अपने को अच्छा कवर कर रहे हैं, बच्चे हौसला अफजाई कर रहे हैं। बच्चे बोले मेरे को, नूर भाई आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो हिसाब से बच्चे भी क्या है, प्रोटोकॉल के हिसाब से लेके चल रहे हैं मेरे को, माशाल्लाह। चलिए साहब, अभी हम लोग आए हैं सितंबर बाज़ार, यहाँ की मशहूर और मारूफ और बहुत ही पुरानी मस्जिद यहाँ पर है माशाल्लाह। बहुत ही ज़माने से यहाँ पर मस्जिद है ये। सितंबर बाज़ार का चौरस्ता क्रॉस कर रहा हूँ बच्चों के साथ। ये देखिए आप पूरे यहाँ के नज़ारे, जो जो भी ये गलियों को मिस करते हैं आप लोग। ये उस्मानिया हॉस्पिटल है, जरा झाड़ों की तरफ से छुप गया, फिर कभी वापसी में बता दूँ। ये अभी आगे हम लोग का अफजलगंज चौरस्ता, देख सकते हैं आप, वही बस स्टॉप है आज भी आप लोग जो छोड़ के गए थे, और वही लोग हैं जो डेली सफ़र कर रहे बेचारे। और अभी यहाँ से सामने से देखिए आप, सिटी कॉलेज है वो, क्या है ये देख सकते हैं आप, सामने सिटी कॉलेज भी दिख रहा, थोड़े मीनारा दिख रहे उसके। ये लेफ्ट मार रहे हम लोग अभी मदीना के लिए, यहाँ से मदीना जाएंगे और यहाँ के पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप नए पुल के पास, पूरे पुल के ऊपर बेहतरीन इफ्तारी के लिए, इफ्तार के बंडिया लगे हुए हैं फ्रूट्स के, और हर कोई अपना मेवा बेच रहा है माशाल्लाह। बहुत ही बेहतरीन रौनकदार यहाँ का मंजर है। चलिए साहब, मिल गए बहुत चाहने वाले, मुंबई से देखते करते, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, दुआ करो मियाँ, और देख के जो हेलमेट पहनो ज़रा। चलिए दुनिया की ट्रैफिक है कई बोल, तो रमजान के लिए पूरी पब्लिक शॉपिंग करने चार मीनार और मदीना के पास आती, यहाँ पे फुल ट्रैफिक जाम है, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये है मदीना बिल्डिंग, सीधा जाते की चार मीनार, गुलजार हाउस, ओल्ड सिटी पूरा माशाल्लाह। ये देखिए आप, दो बड़े बड़े लंबे आदमियां, इसका नाम आतिफ है, इसका नाम इमरान है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? अरे आज इधर हम उधर। अरे अभी तुम लोग के पुतले देखा मैं, 18-18 फीट के लगे हुए थे वहाँ दुकान के बाहर, हम लोगों के कपड़ों के साथ पुतले फ्री के थे। उतर के शहरान मार्केट, जहाँ के बुरखे पूरे वर्ल्ड में फेमस है, देख सकते हैं आप, एक से एक ब्रांड के यहाँ पे बुरखे हैं, और यहाँ की पूरी मार्केट आपको मैं फिराऊंगा, और जिसको भी बुरखे लेना है अपने घर वालों के वास्ते, आप लोग आ जाइए और यहाँ से बुरखे खरीदिए। बोलो नहीं, खाली यू 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 क्या कर रहे, बोलो कुछ तो, बोलिए बुरखों के बारे में बोलिए आपके। इंशाल्लाह ऐसे बुरखे हैं नूर भाई। थैंक यू शुक्रिया, मैं आप लोगों के आज से क्या, आप लोगों की मोहब्बत में आया हूँ, आप लोगों के आज से पूरा ब्लॉग बना रहा हूँ माशाल्लाह। मंगल को देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आज। ये है शहरान मार्केट, शहरान मार्केट में आया हुआ हूँ, हटा देंगे। Yeah, man. I'm ready.
गुलजार हाउस का यही वो हाउस है जिसके नाम से गुलजार हाउस नाम पड़ा। हाउस छूट गया, खाली गुलजार रह गया। अब मैं चारमीनार के पास, वहाँ से रास्ता बंद है तो सा गली में से फिर के जा रहे, परेशान रखो कहाँ चले गए बोल। गली में से हम लोग आ गए चारमीनार को और यहाँ का मंजर देखे तो अपना तबीयत खुश हो जाना, बेहतरीन रह जाना दिल बोलना आप लोगों का खाली। और ये व्लॉग का आखिरी पार्ट है समझो आप, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चारमीनार के पास का पूरा कवर करके मक्का मस्जिद, चारमीनार और यहाँ का पूरा बिजनेस, इसके बाद अल्लाह हाफिज़। चलिए ये आ गया चारमीनार के पास, ये सामने देख सकते हैं आप मक्का मस्जिद, सामने मक्का मस्जिद है और माशाल्लाह देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चारमीनार हॉस्पिटल भी है माशा। शुक्रिया अंकल, यहाँ के दिख रहे आप। चारमीनार के पास आ गया, चारमीनार है, सामने मक्का मस्जिद है, उधर में हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है वो मालूम, मैं तो फिर भी पूछ रहा था तुम्हारी यादाश्त देख। माशाल्लाह देख सकते हैं आप पीछे पूरा माशाल्लाह, हर कोई कारोबारी अपने अपने कारोबार में लगे हुआ है, पूरा हर कोई बिजी है। रमज़ान का यहाँ पर ये माहौल है, पूरा तकरीबन कवर करूँगा उसके बाद। चलिए आइए, यहाँ की फेमस होटल निमरा होटल, निमरा कैफे एंड बेकरी। यहाँ की चाय पी लिए बोलते हा 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 बोलना खाली, वहाँ से आवाज़ आ रही माइक में। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए वहाँ से, हम तो आएंगे आप पहले बताइए। क्या बोला भाभी के वास्ते एक चीज लेके तो दम कर देती हूँ, कांसे लाओ बोल के पूरा चारमीनार खरीद लेती। चल क्या बोला अभी के लिए माले हैदराबाद मोती है टिकट में दे रहा हूँ। नूर भाई कमाओ बेटा, दोनों बच्चों को पालो बेटा, बोलो वही बोलो छोड़ दे अलग हो गया। तो आज का हमारा व्लॉग यहाँ पर ही खत्म करेंगे, ये नूर भाई का पहला व्लॉग है। आप लोग नूर भाई से कितनी मोहब्बत है बताइए और ये व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि नूर भाई और भी व्लॉग बनेंगे आपको हैदराबाद सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का कोना कोना नूर भाई अपने तरीके से अपने नज़रिए से बताएंगे। तो नूर भाई अपने हिसाब से अपने नज़रिए से पूरी दुनिया बताएंगे आप। बस ठहर बैठा ज़रा, ठहर ज़रा क्या मैं बात कर रहा हूँ, दस के चार। तो आप लोगों को अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो है सो कैसा दिखा कमेंट करिए और कहाँ कहाँ जाके नूर भाई व्लॉग बनाना वो भी करिए, वीडियो के साथ साथ व्लॉग भी करेंगे, जरा अपने लोगों को बताएंगे ना, बहुत झांक रहा देखो। चलिए अस्सलाम वालेकुम।